नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विदर्शना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ही देरी किए हुए। तो ये जो पेपर है वो आप देख सकते हैं कि ETCT टेक्नीशियन का है, यानी इमरजेंसी ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, और इसमें जो फर्स्ट है वो है रिस्ट ज्वाइंट फॉर्म्ड बाई, तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी रेडियस अल्ना एंड कार्पल। रेडियस, अल्ना और कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं? रिस्ट ज्वाइंट बनाते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड कम्स इन वॉमिटिंग इज कॉल्ड, यानी कि जब उल्टियां होती हैं और उल्टियों के साथ में खून आए तो उसको एक टर्म देते हैं हिमेटोमेसिस, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ अनकॉन्सियस पेशेंट, यानी कि कोई पेशेंट बेहोश हो गया है तो उसका एयरवे हम लोग कैसे खोलेंगे? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, ऑस्टियोसाइट्स इज द सेल ऑफ, तो ऑस्टियोसाइट्स किसका सेल है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि बोन का जो सेल होता है वो है ऑस्टियोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, और इसमें हमारा है फर्स्ट एड इन एपिस्टैक्सिस, यानी कि ये हमारा क्या है, नोज ब्लेड का दूसरा नाम है। तो नोज ब्लेड के केस में फर्स्ट एड के टाइम अब क्या करेंगे सबसे पहले? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि पिंच द नोज, यानी कि नोज के सॉफ्ट पार्ट को पकड़ेंगे और उसको एकदम क्लोज कर देंगे ताकि ब्लड बाहर ना आए। उसके बाद क्या होता है कि कोल्ड कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन देंगे और उसको जो है नमी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ड्राई हो जाता है तो ब्लीड और ज़्यादा करने लगता है। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस के केस में हमारा, यानी नोज ब्लीड के केस में सबसे पहले नोज को पिंच करते हैं, यानी नोज को दबा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और इसमें हमारा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहला क्वेश्चन है, लोअर लिम्ब हैज़ टोटल 62 बोन्स, यानी कि लोअर लिम्ब के पास कितने बोन्स होते हैं? तो हम देखें तो हमारा नीचे का लिम्ब, ऊपर का लिम्ब, दोनों का लें तो 60 बोन्स होते हैं, यानी कि नीचे के लिम्ब्स में भी 60 होने चाहिए, तो ये 62 है, यानी कि रॉन्ग है। ठीक है, लोअर लिम्ब में हमारे 60 बोन्स होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लोअर लिम्ब में यानी एक पैर में देखिए तो 30 बोन्स होते हैं, दोनों पैर का देखिए तो टोटल बोन्स होंगे 60। अगर कहेगा इसमें कि प्लस में आपका पैल्विक गिर्डल है और दोनों लेग्स हैं और टोटल हड्डियां अगर बताई जाएँ तब कह सकते हैं कि 62, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रिंगर लैक्टेट यूज्ड एज आईवी फ्लूड, तो रिंगर लैक्टेट ऑब्वियसली हमारा क्या है कि इसका यूज हम लोग आईवी फ्लूड के तौर पे ही करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, फोरामेन मैग्नम इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमर, तो फोरामेन मैग्नम जो होता है वो फीमर का स्ट्रक्चर नहीं है। फोरामेन मैग्नम जो होता है वो हमारे कहाँ होता है, ब्रेन स्टीम, यानी हमारे कहाँ होगा, जहाँ पे ब्रेन एंड करता है और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मिलता है, तो वो पार्ट फोरामेन मैग्नम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड इज द इलोंगेशन ऑफ वर्टिब्रल कैनाल, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BLS मीन्स बेसिक लाइफ सिंड्रोम, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि BLS का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये पांचों क्वेश्चन हमारे ठीक ही हैं, लेकिन एक दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर और सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और अब अगर आगे हम लोग देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा पैथोजेंस मीन्स ब्लैंक कॉज डिजीज, तो इसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो इसमें जो खाली स्थान है उसमें भरा जाएगा माइक्रोब्स कॉज डिजीज। सेकंड क्वेश्चन है, बोन मैरो इज़ द फैक्ट्री ऑफ RBC,
तो किसकी फैक्ट्री है बोन मैरो? तो आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन इसमें होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखें तो 120 टू 139 जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर 140 से ऊपर जाता है तो वो हाइपरटेंशन में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोटल रिब्स इन द चेस्ट आर। तो 12 पेयर होते हैं और 24 नंबर में होते हैं, यानी 24 इन नंबर एंड 12 इन पेयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज्ड फॉर। तो एंटी इमेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो मेनली वॉमिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, यानी नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट सॉल्ट नॉट ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 आपको लिखने हैं, उसके आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है सरफेस एनाटमी ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन का सरफेस एनाटमी लिखना है, यानी कि वो फिगर बनाना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन मैरो, यानी बोन मैरो के बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट एड ऑफ नोज ब्लेड, ठीक है, यानी इपिस्टेक्सिस जो हम लोगों ने अभी देखा था, जिसे नोज ब्लेड हम लोग जानते थे, उसके बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग टेक्निक, यानी हैंड वॉशिंग का टेक्निक लिखना है, यानी 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएज, यानी ट्राइएज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्राइएज क्या है, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मल्टी पैरामीटर मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार है, आपको वाइटल साइन आपने पढ़ा होगा, तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर के बारे में भी आप तो पढ़े ही होंगे, तो इसके बारे में आप तो लिख ही लेंगे आराम से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, और इसमें आपको जो है 10 मार्क्स क्वेश्चन करने होंगे, और ये जो होते हैं क्वेश्चन वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन ज्वाइंट एंड क्लासीफाई इट, यानी ज्वाइंट्स को डिफाइन करना है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, फिर उसे क्लासीफाई भी करना है। डिस्क्राइब द साइनोवियल ज्वाइंट विद डायग्राम, और साइनोवियल ज्वाइंट को डिस्क्राइब करना है प्लस में उसके डायग्राम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमिरेट द बोन्स ऑफ एक्जियल स्केल्टन, डिस्क्राइब द ईयर ऑसिकल्स, यानी कि एक्जियल स्केल्टन के बोन्स को लिखना है, एन्यूमिरेट करना है, और प्लस में क्या करना है, ईयर ऑसिकल्स यानी कान की हड्डियों के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट ऑफ मल्टी ट्रॉमा, यानी एक ऐसा पेशेंट है जिसको मल्टी ट्रॉमा हो गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ही चोट आ गई, सिर में, हाथ पैर में भी आ गई, स्पाइनल इंजरी भी हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, यानी कि मल्टी ट्रॉमा हो गई है उनको, तो उनका हम लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ये भी हमें लिखना है। तो आप जो हैं टेक्नीशियन किसके हैं, तो ETCT के, यानी इमरजेंसी ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर के, तो आपको ऐसे केसेस तो लिखने ही होंगे। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, और डिफाइन इन्फेक्शन, डिस्क्राइब द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन क्या होता है और उससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, इसे भी आपको लिखना होगा, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज फ्रैक्चर। तो कॉलेज फ्रैक्चर जो हमारा है वो मेनली रेडियस बोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको जो है फर्स्ट एड के बारे में लिखना है, और प्लस में किसके फर्स्ट एड को लेकर और किसके मैनेजमेंट को लेकर, तो कॉलेज फ्रैक्चर के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, और इसमें लिखना है आपको नेबुलाइजेशन के मेथड को, यानी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नेबुलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रायल्स ट्यूब, यानी नेबुलाइजेशन का मेथड लिखना है, कैसे कैसे हम लोग नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को, और ये लिखना है कि रायल्स ट्यूब को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो मेनली यही सारे क्वेश्चन हमारे 2022 के फाइनल ईयर के पेपर में आए थे, यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यही सारे क्वेश्चंस आए थे, और ये वही उसी का मेन पेपर है। तो आई होप ये पेपर आप लोग अगर सॉल्व कर लें तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और ये पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 2-3 साल का पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं पहले का, तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दो लड़ ही जाता है।
तो इसी तरह से अब हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर।